आज सिंगरौली वार्ड क्रमांक 10 के विस्थापितों ने NCL दुधीचूआ परियोजना के खिलाफ आंदोलन करते नजर आए। विस्थापितों का कहना है कि NCL दुधीचूआ एवं NCL जैन परियोजना द्वारा 1/7/2011 में जमीन भू अर्जित की गई है, लेकिन जैन एवं दुधीचूआ के मुआवजे में बहुत अंतर है। NCL जैन की अपेक्षा दुधीचूआ के जमीन का मुआवजा कम दिया गया है। विस्थापितों के प्लॉट एवं नौकरी में भी NCL दुधीचूआ परियोजना द्वारा विस्थापितों के साथ धोखाधड़ी की गई है। लोगों द्वारा बताया गया कि जब NCL दुधीचूआ परियोजना द्वारा मुआवजे का वितरण किया जा रहा था, उस समय भी NCL दुधीचूआ मैनेजमेंट के अधिकारियों द्वारा ये कहा गया कि जिस रेट से NCL जैन परियोजना द्वारा मुआवजे का वितरण किया जाएगा, उसी रेट से दुधीचूआ परियोजना द्वारा भी मुआवजे का वितरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यही है कि हम लोगों की जमीन 2002 में फंसी थी और NCL के द्वारा मुआवजा भुगतान करने के लिए दिया गया था, लेकिन हम लोगों को भुगतान अब तक नहीं किया। इसका कारण हमने पूछने गया तो बताएं कि जंगल की जमीन है, आपकी नहीं है। तो हमने जंगल के ऊपर केस किया, जंगल ने लिख के हमको प्रमाण दे दिया कि आपकी ज़मीन है। हमने जब इनसे NCL से बोला तो पैसा दीजिए तो नहीं दिया, तो हमने केस कर दिया। कोर्ट में भी लिख कर दिखा दिया गया भाई कि इतना जंगल विभाग ने लिख के दे दिया है इनको। जो है कि कई बार NCL को बुलाया गया वहाँ कोर्ट की तरफ से, लेकिन ये कभी जवाब देने नहीं जाते हैं, कोई भी जवाब नहीं। आप लोगों की मांग क्या? मुआवजा दिए हैं। मांग क्या है आप लोगों की? हम लोगों की मांग ये है कि उस समय जब जमीन फंसी थी तो उस समय का मुआवजा हम लोगों का भुगतान किया जाए ब्याज सहित। और उस समय नियम था 50 डिसमिल पर नौकरी का, जो कि नौकरी आज 2 एकड़ पर हो गई है। आज 2 एकड़ पर नौकरी अगर हो गई है तो हम लोगों को नौकरी दे NCL 2 एकड़ पर देता है तो आज के रेट दे, यदि उस दिन का रेट देगा तो हम लोगों को 50 डिसमिल पर नौकरी भी देना पड़ेगा। अब NCL कुछ भी नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती करके पूरा खदान में कोड़ते जा रहा है, हम लोगों की पट्टे की जमीन पूरा कोड़ दे रहा है। अब कोई भी हम लोगों को मांग नहीं पूरा कर रहा है, हम लोगों को जंगल के जैसे आदमी हो उस तरह से हम लोगों को छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं दे रहा है। इस संबंध में जिला प्रशासन वगैरह को सूचना दी है? हम लोग हर जगह दिए हैं, हमारे पास फाइल पड़ी हुई है, सब जगह दिए हुए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। यहाँ से लेकर कमलनाथ तक जी तक, पहले शिवराज सिंह थे, शिवराज सिंह तक पहुँचाए हैं हम लोग कागज, और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं सबके पास फाइल गया है, कोई सुनवाई नहीं। तो अगर NCL आपकी मांग को पूरा नहीं करता है तो अगली रणनीति आपकी क्या होगी? अगली रणनीति यही होगा कि यहाँ पे जो है हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, पूरा फैमिली लेके आएंगे, जितने बच्चे हैं सब वहीं पर हम लोग सुला देंगे, रोड पर वो चढ़ा के गाड़ी हम लोगों को चिपके मुआ दे, जिंदा हम लोग रहें या ना रहें, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग सो जाएंगे पूरे रोड के खदान के, अपना मशीन जैसे चलाना हो चलाए, यदि नहीं मानता है तो।